तो ये बॉक्स मेरे पास कल रात को ही डिलीवर हो गया था, लेकिन मैंने अपनी एक्साइटमेंट आज सुबह तक बचा कर रखी, क्योंकि ये बॉक्स मुझे आपके साथ अनबॉक्स करना था। इसमें मैंने दो ट्राईपॉड मंगाए हैं, क्योंकि मुझे उन दो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कौन सा मंगाऊं, क्योंकि इन दोनों के रिव्यूज़ देख सकते हो आप स्क्रीन पे, काफ़ी लोगों ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रखा है, 4 रेटिंग दे रखी है इतने सारे लोगों ने, जो कि एक अच्छी बात है दोनों। तो इसलिए मैं दोनों में ट्राईपॉड्स में कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने दोनों ही ट्राईपॉड मंगा लिए, ताकि मेरी कन्फ्यूजन और आपकी कन्फ्यूजन दोनों कन्फ्यूजन हट जाए। तो देखते हैं जौन से ज़्यादा अच्छा होगा ट्राईपॉड, वो हम रख लेंगे और दूसरा वाले को वापस अमेज़ॉन को दे देंगे। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा और हमें उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी रहेगी। तो इस पर इसका प्राइस दिखाया है 1999 अराउंड 2000 के आसपास, जो कि बिल्कुल झूठ है। मैंने स्क्रीन पे इसका रियल प्राइस दिखा दिया होगा अमेज़ॉन पे कितने का अवेलेबल है। वैसे मेनली दोनों के लिए यूज़ लिखा था, उसमें मैंने इसके डिस्क्रिप्शन पढ़े थे, फ़ोन और DSLR या कैमरे के लिए, सभी के लिए है। और मैंने अपने कैमरे के लिए मंगाया, मेरा मेन पर्पस कैमरा है। अगर किसी को फ़ोन के लिए चाहिए तो फ़ोन के भी इसमें अटैच हो जाएगा। इसके साथ आता है आपका एक फ़ोन का केस, जिसमें आप फ़ोन को अटैच करके इसमें माउंट कर सकते हो। एक सस्ती सी पॉलीथीन में रैप करके दे दिया इन्होंने, कोई नहीं, इसको फेंकते हैं साइड में। तो ये है टाइगर का ट्राईपॉड, जो मुझे 349 रुपीज़ का पड़ा था अमेज़ोन से। और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि ये आपके लिए कैसा है और मेरे लिए कैसा है। यकीन मानो, ये जो आपको पटरियों पे मिलते हैं ना 100 रुपये के ट्राईपॉड, वही है उसकी क्वालिटी। इसकी क्वालिटी सेम वैसी है जैसे 100 रुपये के बाहर ट्राईपॉड मिलते हैं ना, वैसे ही हाथ में हाथ पकड़ते ही ऐसा लग रहा है ऐसे क्या चीप चीज़ पकड़ ली मैंने। ठीक है, थोड़ा सस्ता है, लेकिन यार इतना भी नहीं कि आप अपने 50,000 के कैमरे को अपने 10,000 के फ़ोन को इसमें अटैच करोगे। थोड़ी बहुत तो ये होते कि यार मेरा फ़ोन सेफ रहे। इसका तो मुझे कुछ भरोसा नहीं लग रहा कि ये मेरा कैमरे का वेट हैंडल भी कर पाएगा है। और इतना छोटा है ये, इसमें 13 इंच लिखा था इसके डिस्क्रिप्शन में, इतना छोटू सा ये, इसमें ना ही मेरा वाइड एंगल मिलेगा मुझे, और इसकी बिल्ड क्वालिटी पे तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमने करा अपना फ़ोन का केस अटैच, हमने अपना फ़ोन अटैच कर लिया इस पर। हैंडल तो कर रहा है इसको, लेकिन यार फिर भी कोई भरोसा नहीं इसका, मतलब ये लूज़ हो रहा है हल्का हल्का। अगर मैं थोड़ा बहुत ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे, नॉर्मल डेली यूज़ करते रहोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये इसका स्क्रू ना यहाँ से लूज़ हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, इसको बार बार टाइट करना पड़ रहा है मुझे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पैसे वेस्ट है इस पर। 350 रुपये जो भी है इसके, 350 रुपये वेस्ट है। इससे अच्छा आप 200-300 रुपये और ऐड करके आप अच्छा सा थोड़ा ट्राईपॉड ले लो। तो मेरी राय यही यार, इसे थोड़ा सा और अच्छा ट्राईपॉड ले लो आप, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। तो पहले तो फ़ोन हटाता हूँ इससे, मेरा फ़ोन तोड़ दिया तो इसने। तो यार ये है इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है मुझे, जैसे पोलियो हो गया हो इसको। और इसकी जो रबड़ क्वालिटी है ना, वो भी काफ़ी बेकार है, कहीं कहीं पर क्रैक भी आ रही है इसकी रबर्स में। आई एम डिसअपॉइंटेड। तो ये मैं वापस कर दूंगा, वैसे अभी नहीं करूंगा, पहले दूसरा ट्राईपॉड देख लेता हूँ कि वो कैसा है। अगर वो भी ऐसा ही निकला तो उसको भी वापस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, फिर कोई अच्छा सा मंगाऊंगा। से तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं कि वो कैसा है। इसको तो मैं अपने कैमरे पर अटैच करने के रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि कैमरे के लिए कैसा है। और एक और चीज़, इसकी जो ऊपर की रबर, ये रबर क्वालिटी है ना इसकी ये भी कुछ खास नहीं है, ऐसा लग रहा है निकल जाएगी, और वो निकल रही है, थोड़ी थोड़ी साइड से निकल रही है। तो कैमरे को अटैच करके देख लेते हैं एक बार फिर भी। तो हम अभी अपने कैनन 200D Mark II को DSLR को अपने ट्राईपॉड के साथ अटैच करके देखते हैं। ये मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस ट्राईपॉड पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मेरे कैमरे को हैंडल कर पाएगा। ये अटैच हो गया है, तो इतना छोटा सा है ना, इसमें ना ही वाइड एंगल मिल पाएगा ना ही कुछ, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है। ओ, जैसे इसको मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ, तो ये इसका हेड अपनी जगह से मूव हो जा रहा है। देख, अभी देखना, एक दो बार दिखाऊंगा आपको। मैंने यहाँ पर सेट कराया है, इसमें कोई स्क्रू नहीं है कि टाइट करने का, कि इसको मैं इस पोजीशन पे टाइट करूँ, बस ये इसकी रबर पे ही डिपेंड है। अब देखा आपने, इसीलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं था। अभी इसमें मैंने कैमरा अपना अटैच कर लिया है, और इसमें बिल्कुल भी
वाइड एंगल नहीं आ रहा है, इतना छोटा सा है, कहाँ जाएगा वाइड एंगल। अभी इसमें मैंने कैमरा अपना अटैच कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी वाइड एंगल नहीं आ रहा है, इतना छोटा सा है, कहाँ से आएगा वाइड एंगल। सर अपना कैमरा इसमें अटैच कर रहे हो तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, ये मत लेना। अब ये वीडियो देखने के बाद ना ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि टाइगोन DSLR या कैमरे के लिए नहीं है, तो इसको हम अपने वापस रिमूव कर लेते हैं। हमारा कैमरा बच गया है, इसको हम वापस भेज देंगे। अगर आपको फ़ोन के लिए चाहिए ना, फिर मैं इसको नहीं बोलूँगा इसको ले लो, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी कि कभी भी ये ब्रेक हो जाएगा, कुछ एक दो महीने भी चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं मुझे, पैसे वेस्ट है इसमें, तो इसको फेंक देते हैं। तो अब अपने सेकेंड ट्राइपॉड की बारी, इसमें एक आपको एक स्टिकर भी मिलेगा या अंडर लेगा, हमें नहीं चाहिए। तो ये आपका यांत्र लेगा ट्राईपॉड, इसमें इसका प्राइस 799 लिखा है, जो कि ये भी झूठ है, एक स्क्रीन पर रियल प्राइस शो हो रहा होगा। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक फोन का फोन अटैच करने के लिए एक केस। इसकी क्वालिटी डिसेंट क्वालिटी है, इसकी जो अंदर रबर है और साइड से ग्रिप है ना इसकी, वो काफ़ी ठीक है, फ़ोन को आपको संभाल कर रखेगी। देख सकते हो इसकी जो रबर है ना, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिर भी ये आपको फ़ोन को स्क्रैचेस वगैरह नहीं आने देगा, तो इसको भी साइड में रखते हैं। एंड ये होता है एक्शन कैमरा के लिए, आप जैसे GoPro हो गया, SD कैम हो गया, या इतने सारे एक्शन कैमराज ऑलरेडी हैं हमारे मार्केट में, ये उसके लिए माउंट है। और हम आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे। पता था इसके रिव्यूज़ मैंने काफ़ी अच्छे हैं, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, वैसे उसके भी अच्छे थे ट्राइगोट के, बट मुझे पसंद नहीं आया वो। तो अब देखते हैं ये कैसा है। और ये मुझे मेरे को और ये मैंने पसंद इसलिए किया था क्योंकि इसमें इसके साथ 360 बॉल हेड मिलता है, जो आपको 360 एंगल पे किसी भी एंगल में आपको वीडियो बनाने में हेल्प करता है। बी होनेस्ट, इसकी बिल्ड क्वालिटी इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे हाथ में आया ना ये, इन दोनों में आप खुद ही आपको फ़र्क मैं बताता हूँ, आप कभी भी दोनों ट्राई कर लेना, अगर आपको भी मेरी तरह दोनों ट्राई करके देख लेना तो आप गारंटी बोल रहा हूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें ये 349 का, ये 550 का है, जो इसकी ग्रिप है ना ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब ऐसे फ़ोन फिसलेगा नहीं, आपका कैमरा फिसल के ऐसे नहीं आप ऐसे कर रहे हो मूव कर रहे हो हाथ और आपका ये ट्राईपॉड फिसल जाए आपके हाथ से, तो ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, इसकी रबड़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ऐसा नहीं कि रबड़ है तो सॉफ्ट रबड़ है तो कट जाएगी कहीं से, नहीं, अच्छी आ रही है, ये चीज़ मुझे अभी तक पसंद आया। और हाँ, ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे नहीं पता कि एक दो दिन भी चल पाएगा नहीं चल पाएगा ये, लेकिन हाँ ये लग रहा है कि हाथ में आते ही कि काफ़ी लंबा चलेगा। इन दोनों में अराउंड 200 रुपये का फ़र्क है, आप 350 रुपये बर्बाद करने से अच्छा 200 रुपये और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके एक अच्छा ट्राइपॉड ले सकते हो, लेकिन अभी भी इसके साथ काफ़ी चीज़ें चेक करनी बाकी है हमारी। तो इसको भी आप कैसे भी मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, किसी भी एंगल में आप अपने कैमरे को, अगर आपको टाइम लैप्स बनाना है या कुछ भी एक्सपाइजर करना है, किसी भी एंगल में स्टेबल हो जाएगा। और इसके ऊपर का जो ये मटेरियल है प्लास्टिक का है, बट लेकिन काफ़ी सॉलिड प्लास्टिक है, ऐसा नहीं कि टूट जाएगी क्रैक हो जाएगी। और इसका जो ये पार्ट है ये थोड़ी सी हार्ड रबड़ है, ताकि आपका माउंट अटैच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये है इसका 360 बॉल हेड, इसकी वजह से मुझे पसंद आया था, जो इसकी ये इसको स्क्रू को थोड़ा लूज़ करते पहले साइड से, जो इसका ये है ना, ये मैं बताऊँगा किस काम आता है, पहले इसको माउंट कर लेते हैं। ये हो गया माउंट, तो पहले हम फ़ोन के साथ चेक करते हैं, देन हम अपने कैमरे के साथ चेक करेंगे कि ये इसका जो 360 बॉल हेड है ये कैमरे का वेट हैंडल कर पाएगा। तो मैं बताता था कि इसका 360 बॉल हेड किस यूज़ में आता है, कि आप किसी भी एंगल में आप अपने फ़ोन को या अपने कैमरे को सेट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर अभी सेट करना है, तो मैं इस स्क्रू को टाइट कर दूंगा साइड से और ये यहीं पर स्टेबल हो गया, अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो ये 360 बॉल हेड इसलिए मुझे पसंद आई थी कि आप किसी भी एंगल पे अपने फ़ोन को या अपने कैमरे को सेट कर सकते हो। अब देखते हैं, फ़ोन का वेट तो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, मैं काफ़ी रफ चेक कर रहा हूँ, इसका 360 बॉल हेड कहीं इसको नहीं मूव करने दे रहा है, ऐसे नहीं कि पीछे चला गया आगे चला गया,
जहाँ इसको मैंने सेट किया था वहीं पर है। तो फ़ोन के लिए तो ये बेस्ट है अभी तक। अब कैमरे के साथ भी चेक करते हैं। तो हम अपने ट्राइपॉड को अपने DSLR के साथ अटैच करके देखते हैं कि ये इसका वेट भी इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा जितना फ़ोन चल रहा था। तो लेट्स गो। इसको भी आप इजीली अपने कैमरे के साथ अटैच कर सकते हो। ये हो गया हमारा अटैच, ये हमने स्क्रू कर दिया टाइम। इसको भी आप किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हो। ये इसलिए मुझे पसंद आया था इसका 360 हेड की वजह से। ये हो गया हमारा DSLR अटैच और हम हो गए रेडी ब्लॉगिंग के लिए। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी इसका वेट हैंडल कर पा रहा है, लेकिन देखते हैं क्या रफ सिचुएशन में इसको हैंडल कर पाएगा। क्या बात है, ये आपका कहीं मूवमेंट नहीं होगी, गिरने का कोई डर नहीं होगा। ये इसकी बेस्ट चीज लग रही है मुझे, तो फेवरेट हो गए हैं। नहीं हो रहा है, देख सकते हो आप। एक एक आपको और थोड़ा रफ जाके टेस्ट करके दिखाते हैं। इसको और एंगल पे डाला, स्क्रू टाइट करा, नहीं तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा भी स्लिप नहीं हो रहा, जो बेस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप DSLR भी यूज़ कर रहे हो, अगर आप ब्लॉगिंग के लिए कोई कैमरा भी यूज़ कर रहे हो या फोन यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो आप XYZ, ये बेस्ट है। और इसका जो 360 कॉल हेड है ना, यकीन मानो इसकी वजह से ही ये मेरा फेवरेट है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी 10 out of 10। तो काफ़ी एक अच्छा वाइड एंगल मिल रहा है इसमें। तो आप ये ना सोचना कि 11 इंचेस का है तो आपको वाइड एंगल नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा वाइड एंगल मिल रहा है, चेक कर सकते हो आप। मैंने अभी अपना DSLR अपने रियांटले ट्राइपॉड के साथ अटैच कर रखा है। इसकी हाइट फिर भी एक इनफ है, आपको एक अच्छा खासा बैकग्राउंड कवर हो जाएगा इसमें, आपका वाइड एंगल मिल जाएगा। और इसमें कोई वाइड एंगल लेंस नहीं है, वही किट लेंस है 18-55। तो यांटले की एक और खास बात है इस पॉड की, ये स्विच कर सकते हो आप यहाँ से यहाँ पर। अभी मैं लेकर आया हूँ, जैसे अभी ये सिर्फ इतना ही पैर इसके खुल सकते हैं। अपना आप कैमरा अगर सेटअप करोगे इसके ऊपर तो इसके अभी कैमरा पैर इतने ही खुलेंगे। तो अभी आप यहाँ से इनको यहाँ पर स्विच कर सकते हो, जिससे आपके इसके पैर ज़्यादा खुल पाएंगे। दिखा देता हूँ अभी आपको, जैसे ये अब हो गया यहाँ पर स्विच, तो इसके पैर की जो रेंज है वो ज़्यादा हो गई है। कि अगर आपको एकदम स्टैंड करना है अपना कैमरा तो इसके पैर है। और इसमें मैं काफ़ी एक अच्छा खासा वेट भी डाल रहा हूँ ना, फिर भी इसके पैर खुल नहीं रहे। अब कैमरे आपका सेफ रहेगा इसके ऊपर। और फिर आप दोबारा अगर इसको कम करना चाहो तो इसको दोबारा इसी इस पे ला के रख सकते हो। तो ये काफ़ी बेस्ट है कैमरे के लिए और फ़ोन के लिए, दोनों के लिए। मार्केट में आपको 100-200 के भी ट्राइपॉड मिल जाएंगे, लेकिन वो इतने उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, सेफ नहीं होगा आपका फ़ोन। आप अपने फोन को रिस्क में डालोगे, कैमरा को रिस्क में डालोगे, तो इसलिए अच्छा 540 के आसपास का ट्राइपॉड अभी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके जो स्क्रू है, जो इसकी इनकी बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। आपका फ़ोन सेफ रहेगा, आपका कैमरा सेफ रहेगा। तो गो फॉर इट गाइस, को ये ट्राइपॉड पसंद आया हो और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely.